गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ जितेन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपना मोटो ब्लॉगिंग के हेलमेट का सेटअप। ये मैंने एक न्यू हेलमेट लिया है SMK का, कार्टून ट्विस्टर कार्टून डिज़ाइन, और इसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 4500 रुपीज़। तो अभी इसको मैं पूरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए पूरा सेटअप करने वाला हूँ, और ये पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मुझे कितना कॉस्ट करेगा ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कैसे कैसे मैं सारे आइटम्स को अपने हेलमेट पर सेट करूँगा, जैसे GoPro को, माइक अडेप्टर, उसका चेन माउंट, ये सारा कुछ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मेरा सारा सामान जो अभी मैं मोटो व्लॉगिंग में सेटअप करने वाला हूँ हेलमेट में। तो ये रहा मेरा SMK ट्विस्टर कार्टून डिज़ाइन में, ये मेरा हेलमेट है। इसका मुझे कॉस्ट किया है 4500, और मैंने इस हेलमेट को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि 4500 के अंदर इसमें पिन लॉक, एंटी फॉग वाइज़र भी आता है, और साथ में इसमें इंटरकॉम के लिए सेटअप ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ये इंटरकॉम के सेटअप के लिए, और इसमें डुअल वाइज़र भी है। इसके अलावा सेकंड आइटम है जो बहुत नेसेसरी है कैमरा को माउंट करने के लिए, ये मैंने मंगवाया है ब्लू आर्मर का चिन माउंट। ये मुझे कॉस्ट किया है 399 रुपीज़। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थोड़ा यू शेप में है जिससे ये यहाँ पर पूरा बैटर कवरेज यहाँ पर हो जाती है। देन सबसे नेसेसरी आइटम GoPro, ये मेरे पास Hero 7 मॉडल है, मैंने इसका साइड कवर ऑलरेडी ओपन कर दिया है। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 28,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट है GoPro का माइक अडेप्टर। आप लोग जानते ही होंगे कि GoPro 7 या GoPro के जो अदर मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स, इनमें माइक 3.5 mm माइक को आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको ये माइक अडेप्टर यूज़ करना पड़ता है, और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 4300 रुपीज़। देन ये चिन माउंट के लिए बकल, ये आपको GoPro के बॉक्स में ही मिल जाता है। तो नेक्स्ट है ये Ulanzi V2 केस, ये 1200 रुपीज़ का मुझे मिला था। इसके अंदर माइक अडेप्टर भी होल्ड हो जाता है और GoPro, एंड इसके अंदर ही होने के बाद आप इसे अपने हेलमेट पर फ्रंट में माउंट कर सकते हैं, और अगर आपको ट्राईपॉड के साथ यूज़ करना है तो आप इसको ट्राईपॉड के साथ भी, कोई भी शॉटगन माइक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये ऑर्डर किया है। नेक्स्ट है माइक, ये माइक है माउनो का AU 400 मॉडल। इसका कॉस्ट वैसे 699 रुपीज़ है, बट ये यूजुअली अमेज़ॉन पर आपको 300 या 400 के रेंज में मिल जाता है। और एक ये एडिशनल है, ये एक साइकिल लाइट है, इसको मैंने सेफ्टी के लिए मंगाया जब मैं नाइट राइड्स वगैरह करता हूँ, तो इसमें 6 मोड्स हैं, इसको भी मैं हेलमेट पर माउंट करूँगा, आप इसमें देख सकते हैं, ये इसके 6 मोड्स, 3 मोड ये हैं, और एक ये ब्लिंकिंग मोड है, ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ है, और एक ये, और मैं इसको डबल साइड टेप के से 3M डबल साइड टेप से हेलमेट के यहाँ पीछे माउंट करूँगा, जिससे कि रात को राइडिंग में पीछे वाले राइडर्स को या पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको सेफ्टी से मेरी विजिबिलिटी रहे। और ये है 3M टेप का रोल, अगर मुझे कुछ टेप की नेस यूज़ होगा तो ये है सारा आइटम जो अब मैं इसको जल्दी से सेटअप करता हूँ। तो गाइस, पहले जल्दी से हम GoPro का सेटअप कर लेते हैं, GoPro के केस को Ulanzi केस के अंदर सेटअप, और अंदर से ये कुछ ऐसा निकलता है Ulanzi का केस, इसको रख देते हैं एक साइड में। नेक्स्ट है ये माइक अडेप्टर, ये निकलता है कुछ इस तरह से, माइक अडेप्टर मिल जाता है, और इसके अंदर बस एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल एज यूजुअल हर प्रोडक्ट के साथ जो आती है, और इसे पढ़ते नहीं हैं। और तीसरा हमारा GoPro, तो इसको सेटअप करना काफ़ी इजी है, यहाँ से इसको पिन को प्रेस करके ये केस निकल जाता है। GoPro को यहाँ पर रखकर हम पुश कर देंगे,
ये हो गया, और जो ये माइक अडेप्टर है इसको इस साइड से, सॉरी ये हम इसे किसी भी साइड से लगा सकते हैं, और ये यहाँ पर सेट हो गया, एंड कुछ इस तरह से ये प्लग हो गया। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से साइड से, और यहाँ से आप इसको टच स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अब ये है 3.5 mm जैक और टाइप सी, आप इसको यूज़ करते हुए चार्ज भी कर सकते हैं। जल्दी से माइक भी देख लेते हैं। इस माइक में बॉक्स में से माउनो का ये कवर निकलता है, और कवर के साथ में कवर के अंदर मिलता है हमें ये माउनो का माइक, और गोप्रो में यूज़ करने के लिए हमें इस क्लिप को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये TRS है और ये TRSS, और गोप्रो में चलता है TRS वाला, तो ये हमें यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें इसके साथ ही स्लीका जेल और ये क्लिप, अगर आपको कॉलर माइक की तरह यूज़ करना है, तो मेरे में ये एक एक्स्ट्रा क्लिप निकली है, बहुत लकी कस्टमर्स होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट प्लग करके, और इसको हेलमेट के अंदर बस सेटअप करना है। ये हमारा हो गया कैमरा रेडी, सॉरी इसके साथ करना था। ये लगने के लिए रेडी है, ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। और बाकी आइटम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब ये सारा कर देते हैं जल्दी से साइड। ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ ज़्यादा ही जोश में ओपन कर दिया। इसके साथ भी एक ये छोटा सा कार्ड निकलता है, पेटेंट पेंडिंग, ये एक इंडियन मैन्युफैक्चर है बैंगलोर का। और ये जो आर्म्स है ना, ये फ्लेक्सिबल है, तो आपके हेलमेट की सरफेस पर ये अच्छे से कर्व को मेंटेन करेंगी। और इसमें अंदर ऑलरेडी 3 mm टेप लगा हुआ है, ऊपर नहीं है तो मैं ऊपर थोड़ा सा माउंट कर लूँगा। और ये यहाँ हेलमेट के फ्रंट में बिल्कुल इस नीचे साइड से भी आप लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट फिट यहाँ आ रहा है, बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट फिट हो रहा है इस पर। सामने से देखने में कुछ अलग लग भी नहीं रहा, और ये कर्व के साथ लग जाएगा। तो अब जल्दी से इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से पेस्ट कर दिया है मैंने अब, और ये आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है। इसमें कोई एम सील या कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है। और ये दोनों आर्म्स ना इसकी अलग अलग हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनको अगर आपके हेलमेट पर कर्व है तो ये और अच्छे से सेपरेटली बेंड हो जाती हैं और एकदम परफेक्ट फिट। और आप सामने से देख सकते हो, अब ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि सामने से कुछ लगा हुआ है, एकदम परफेक्ट शेप में ये। अब इसमें माउंट करते हैं अपने कैमरा को। ये रहा बकल, बकल रेडी। और ये सेटअप,
तो ये मेरा मोटो ब्लॉक सेटअप पूरा हो चुका है और मैंने यहाँ से केबल को यहीं थोड़ा इकट्ठा कर दिया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ अपने माइक को थोड़ा सा अंदर सेट कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये मैंने माइक को यहीं से सेट कर दिया है। और कुछ ऐसा अब मेरा मोटो ब्लॉक सेटअप रेडी हो चुका है सामने से। और अब जल्दी से इस पर ये जो है ये लगेगा कुछ इस तरह से पीछे इसके ऊपर, और ये इसमें एंगल्स चेंज कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ लगाने के बाद जब ये पीछे लग जाएगा तो कुछ इस तरह से इसको बस ऑन करते ही ये हेलमेट की लाइट की तरह काम करेगा, आप देख सकते हो। तो गाइस ये हो चुका है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी। अब जल्दी से करते हैं इसकी एक इसको पहन के एक टेस्ट राइड करके आते हैं और इसकी माइक की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये जो मेरा मोटो ब्लॉग सेटअप है इसका यहाँ पर आपको साइड में पूरा प्राइस लिस्ट दिख रहा है और ये मेरे को टोटल कॉस्ट किया है 39,000 का। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले बाइक राइड पर इसका ऑडियो टेस्ट और कैमरा टेस्टिंग भी कर देख लेते हैं। सो गाइस कैमरे का सेटअप हो चुका है और अब ये माइक टेस्टिंग है, देखते हैं कैसा साउंड आता है। ये तो जब एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा, बाकी आप लोगों को दिख ही जाएगा। अगर आप लोगों को इस माइक की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो, और आप भी इसे परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर ये मेरे सेटअप में जो भी आइटम्स यूज़ हुए हैं इनमें से कोई भी आइटम अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिए हैं और आप वहाँ लिंक से क्लिक करके परचेज़ कर सकते हैं। कैमरा एंगल अभी मुझे पता नहीं है कैमरा एंगल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, आई होप ठीक ही आ रहा होगा अभी तो। तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट है। अब एक आगे थोड़ा हाई स्पीड टेस्ट और कर लेते हैं हाईवे पर, अगर वहाँ भी इसका नॉइस अच्छा मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी है राइडिंग में तो डेफिनेटली ये माइक बहुत अच्छा है। और देखते हैं अब इसको एक हाईवे टेस्ट पर। सो गाइस अब हाईवे पर एंटर हो चुका हूँ मैं और बाइक की स्पीड आपको दिख ही रही होगी, मैं इसको इंक्रीज करके भी देख रहा हूँ। और अभी जो साउंड टेस्ट किया था स्लो स्पीड में वो तो बहुत अच्छा रहा माइक, उसमें तो पास हो गया। नाउ ये हाई स्पीड वाला टेस्ट है, इस पर भी देख लेते हैं। मेरे सामने ये एक बुलेट जा रही है जिसका नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, अब ये उसको कैप्चर करता है या नहीं करता माइक ये भी हमें पता चल जाएगा इस टेस्ट के बाद में। और आपको ये तो दिख ही रहा है कितनी स्पीड पर अभी बाइक चला रहा हूँ, तो अगर ये माइक इस स्पीड पर भी ऑडियो अच्छे से कैप्चर कर रहा है तो गाइज इस बजट में ना इससे बेटर माइक आपको नहीं मिल सकता। एंड ये माइक मुझे रिकमेंड किया था हमारे ग्रुप में एक भाई हैं अक्षय, उन्होंने उनके चैनल उनका भी एक यूट्यूब चैनल है अक्षय सर्किट नाम से, नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। उनके पास अपाची 200 है, आप उनके भी ब्लॉग्स ज़रूर चेकआउट करें, उनका भी एक स्टार्टअप चैनल है अभी। एंड थैंक यू अक्षय भाई, माइक एक्चुअली बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये माइक टेस्टिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए और अच्छे अच्छे मोटो ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।